सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के पिछले एपिसोड में सभी हीरोज वीरस से लड़ रहे थे कि तभी उनके लड़ाई के बीच में कोई आता है। वह दूसरे डायमेंशनल के गोकू और वेजिटा थे। वे सभी को एक अनजान मुसीबत से अवगत कराता है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस मुसीबत से निपटने के लिए अपने अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आसमान में से अजीब सी जड़ सारे यूनिवर्स को घेरे जा रही थी, साथ ही साथ सभी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसी बीच फ्यू आता है। वह आकर सभी को अपने खतरनाक मंसूबे से अवगत कराता है। फ्यू बताता है कि वह सारे यूनिवर्स की एनर्जी को मिलाकर एक नया यूनिवर्स बनाना चाहता है। फ्यू के पास वह पक्षी भी रहती है जिसे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नष्ट करने के लिए ढूंढ रहे थे। फ्यू वहां से वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। वे जड़े सभी लिविंग चीजों की एनर्जी खींचे जा रही थी, लेकिन वीरस अपनी एनर्जी से उन जड़ों को अपनी एनर्जी देने लगता है और सभी योद्धा को फ्यू को रोकने और यूनिवर्स ट्री को ढूंढने के लिए कहता है। गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के साथ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब देखें आगे किसी दूसरी जगह जहाँ यूनिवर्स ट्री मौजूद था। फ्यू अपना योद्धाओं का एक ग्रुप तैयार कर रहा था। उसमें कई अनजान चेहरे थे तो कई जाने पहचाने। कुछ योद्धा उसमें ऐसे भी थे जो सभी सैयन से चिढ़ते थे। एक सैयन को देख दूसरा योद्धा उससे लड़ने लगता है। तभी फ्यू उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को आपस में ही लड़ने के लिए नहीं लाया है, मैंने तुम लोगों को तुम्हारे अतीत से लाया है जब गोकू और बाकी योद्धा तुम्हें बुरी तरह से पीटते हैं। सैयन कहता है कि इस बार मैं नहीं हारूंगा। फ्यू कहता है कि यह एक मौका है तुम्हारे पास अपना बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ फ्यू को ढूंढते हुए टोकी टोकी की सहायता से गोकू, वेजिटा, ट्रंक और पैन सारे दूसरे प्लेनेट पर आ जाते हैं। गोकू पूछता है कि इसी प्लेनेट पर फ्यू है ना। ट्रंक्स बताता है कि डोगी डोगी जो फ्यू के साथ है वह इसी प्लेनेट पर है, तो अगर डोगी डोगी इस प्लेनेट पर है तो फ्यू भी होगा। फिर वे कुछ सीरियस हो जाते हैं। पैन पूछती है क्या हुआ। सभी को महसूस होता है कि कोई वहाँ आ रहा है, लेकिन वह फ्यू नहीं है। ट्रंक्स पैन को कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। कोई आते ही हीरोज पर ब्लेड चलाता है। गोकू एक पुराने जाने पहचाने शक्ल को देख हैरान हो जाता है। वह ट्रंक्स नाम का कोई योद्धा था। दूसरा वेजिटा वो जैक को देख हैरान होता है। ट्रंक्स वेजिटा से पूछता है कि क्या आप उसे जानते हो डैड। वेजिटा बताता है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले अर्थ पर अटैक किया था। गोकू पर टर्ल्स एक हमला करता है जिससे धुएं के बीच टर्ल्स पीछे आकर गोकू को जकड़ लेता है। बोजैक गोकू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि बीच में वेजिटा आ जाता है। बोजैक गुस्से से कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। वेजिटा बोजैक से वापस आने का कारण पूछता है। बोजैक कहता है कि जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा। बोजैक लड़ने के लिए अपना पावर बढ़ा लेता है। वेजिटा भी अपना पावर बढ़ा लेता है और गोकू भी खुद को उड़ाने के लिए अपना पावर बढ़ा लेता है। टर्ल्स एक फल को खाते हुए कहता है यह डिवाइन ट्री का फल है जो मुझे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बना देगा, और इस तरह टर्ल्स भी अपना डार्क पावर बढ़ा लेता है। गोकू उसके एनर्जी से हैरान होता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जैक के पार को वेजिटा डॉज कर रहा था। गोकू टर्ल्स की शक्तियों का मजाक उड़ाता है। डिवाइन ट्री का पावर अगर ऐसा पावर है तो मैं इस पावर से निराश हूँ। टर्ल्स गुस्से में आकर गोकू पर हमले करने लगता है। दोनों वॉरियर लड़ रहे थे तभी टोकी टोकी अचानक घबराने लगता है। ट्रंक्स देखता है कि टोकी टोकी घबरा रहा था, तभी वहां पर फ्यू भी आ जाता है। गोकू और वेजिटा जो टर्ल्स और बोजैक से लड़ रहे थे अचानक फ्यू के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे बोजैक और टर्ल्स उन पर पीछे से वार कर देता है और कहता है कि किधर देख रहे हो, हम लोग तुम्हारे ओपोनेंट हैं। फ्यू टोकी टोकी को देख हंसता है। दूसरी तरफ हमें टाइम पेट्रोलर गोकू और वेजिटा दिखते हैं, जो एक ऐसा जगह था जहाँ चारों तरफ लावा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके आंखों में एक डिवाइस लगी हुई थी टाइम पेट्रोलर्स को कहता है तुम दोनों का हेल में स्वागत है। मंकी फूल्स, टाइम पेट्रोलर्स कहते हैं कि वो तुम थे जिसने हमें बुलाया है, कौन हो तुम? वह व्यक्ति चुप था, न जाने कौन था वह व्यक्ति। फ्यू क्या टोकी टोकी को चुराने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का अगला एपिसोड।